मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया बड़ी की सब्ज़ी। बहुत डिलीशियस बनती है ये और बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये सोया बड़ी है और ये फ्रेश दूध की फ्रेश मलाई है। आप इसकी जगह क्रीम भी ले सकते हो। टमाटर हैं, प्याज, लहसुन, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, काजू है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया साबुत और जीरा। और ये है सोया बड़ी और इसमें हरा धनिया है। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल सिर्फ इतना डालना है जितना हम तड़के में डालते हैं, यानी थोड़ा सा तेल डालना है, ठीक है? तो ये सब जाएंगे और बाकी स्पाइसेस जो जाएंगे वो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी आप लोगों को। ये जो तेल है ये सरसों का तेल है और ये गरम हो गया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब जो सोया बड़ी है वो डाल देंगे इसमें, हल्की सी फ्राई करनी है ये। बस इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाए तब तक ही हमने इसको शैलो फ्राई करना है और सिम आंच पे इसको शैलो फ्राई करना है। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, अब इनको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले धनिया साबुत और जीरा, काली मिर्च और लौंग ये डालेंगे। हल्का सा तड़क जाइए। अब इसके बाद लहसुन, प्याज, काजू, करी पत्ता इसको हल्का सा चलाएंगे। गैस बिल्कुल सेम पे ही है। अब यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। अब गैस मीडियम करनी है। ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। अब गैस को कर देंगे बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनानी है इसकी। अब ये देखो, ये ऐसी पेस्ट होनी चाहिए। अब इसी कढ़ाई में आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। गैस ऑन करेंगे, सिम पे रखेंगे इसको और इसमें डाल देंगे बटर। अब ऑयल का यूज नहीं होगा, अब बटर का यूज होगा। तो एक चम्मच बटर जाएगा इसमें। सबसे पहले डालेंगे साबुत, लाल मिर्च और तेज पत्ता। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च और ये देगी मिर्च है, तीखी नहीं है। तो आपने तीखी चाहिए तो आप तीखी डाल सकते हो। हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अब यहाँ पर अपनी ग्रेवी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक घी मसाले से अलग ना हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। अब आंच को तेज कर देंगे। और इसको ढक देंगे क्योंकि इसमें से छींटे लगेंगी, फिर कहोगे कि बताया नहीं। अब यहाँ पर डाल देंगे नमक और जितने भी स्पाइसेस मैंने डाले हैं ना, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हो।
ज्यादा तीखा खाते हो आप तीखा डाल सकते हो, अगर कम तीखा खाते हो तो कम तीखा बना सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो चीजें जितनी जितनी मैंने डाली है उतनी आप लोग डालें, तो अपने फैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। कोई ज्यादा मिर्च खाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मलाई जो वो डाल देंगे, अब कसूरी मेथी डाल देंगे, अब जो सोया बड़ी है वो डाल देंगे, बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है ये और बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनती है। अब इसको थोड़ा अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ बड़ी को, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब ये जो है ना, आप ऐसे कैसे भी आप इसको बना सकते हो, आपको कितनी ग्रेवी की सब्जी चाहिए, लिक्विड चाहिए या ड्राई चाहिए, वो डिपेंड करता है आप कैसी लाइक करते हो। मैं इसको थोड़ी सी लिक्विड ही बनाऊंगी, अब जिसमें मसाला पीसा था उसी में पानी डाल दिया मैंने और वो जाएगा सब्जी के अंदर। और अब इस सब्जी के लिए आंच को कर देंगे सिम पे और इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है ये। क्योंकि जो वड़ी है ना वो पानी को पीती है ना, तो थोड़ी सी लिक्विड ही मुझे चाहिए। ये आधा गिलास पानी इसमें मैंने ऐड किया है। अब इसको सिम पे पकाएंगे और 4 से 5 मिनट, ठीक है, और उसके बाद दिखाती हूँ। अब ये देखो कैसी फूल गई है ये, अब इसको 3 मिनट हो गए हैं, अब 2 मिनट और रखूंगी गैस पे और इसको ढक दूंगी। अब ये देखो ये बिल्कुल रेडी हो गई है, गैस को कर देंगे बंद और अब धनिया डालेंगे। और यहीं पर डाल देंगे हरी मिर्च तोड़ के, जो कि मैं अक्सर अपनी सब्जी में डालती हूँ। एक चम्मच देसी घी डाल देंगे, अब एक ही चम्मच डालना है, इससे क्या होगा सब्जी का टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा, तो कभी आप डाल के देखना इसे। अब ये सोयाबड़ी की सब्जी होगी बिल्कुल रेडी और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जो जॉब वाले बंदे हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बहुत जल्दी बनने वाली एक बहुत ही डिलीशियस सब्जी है ये। आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखना।
मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।